खतरनाक आशिक बनकर पर्दे पर आया और कहर मचा दिया। अपने एक्शन सीन से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला दिया। डार्लिंग से रखा इंडस्ट्री में कदम और सबको मुरीद बना लिया। अक्षरा के साथ उसकी केमिस्ट्री ने सबका दिल जीत लिया। अभी से भोजपुरी के अगले स्टार होने का ये लड़का कर चुका है ऐलान। नाम है राहुल शर्मा और मकसद है भोजपुरी इंडस्ट्री का बढ़ाना शान। तो चलिए सुनाते हैं राहुल शर्मा की कहानी। शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये है भोजपुरी का अगला स्टार और रूबरू हो सके इससे दुनिया सारी। दोस्तों, राहुल शर्मा मूल रूप से बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, मगर उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई के ठाकुर कॉलेज से पूरी हुई। उनके पिता भोजपुरी सिनेमा के शोमैन प्रदीप के शर्मा हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में कई बड़ी फिल्में बनाई हैं। फिर चाहे वो खेसारी लाल यादव के लिए लिट्टी चोखा हो, आशिकी हो, या अरविंद अकेला कल्लू के लिए डमरू, निरहुआ के साथ सबका बाप अंगूठा छाप हो, इस तरह की फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर पिता ने अपने बेटे राहुल को शुरू से ही अभिनय की बारीकी सीखने के लिए प्रेरित किया। राहुल शर्मा भी बचपन से ही होनहार थे, एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी थी। शुरुआत बॉलीवुड से की, सुनील शेट्टी जैसे दिग्गज कलाकार के साथ काम किया। हिंदी फिल्म एक्सरे द इनर इमेज में भी डेब्यू किया। विज्ञापन में भी दिखे, लेकिन मन बसता है भोजपुरी में। बिहार से हैं तो भोजपुरी के लिए अपने पिता की तरह कुछ करना चाहते हैं, इसलिए खुद को बतौर भोजपुरी एक्टर तैयार किया। पिता प्रदीप शर्मा ने रिस्क लिया और भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह के अपोजिट अपने बेटे को डार्लिंग फिल्म से लॉन्च किया। पहले ही फिल्म में राहुल शर्मा ने अपने तेवर दिखा दिए, अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया और बता दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब एक नया एक्शन हीरो तैयार है जो डांस भी कर सकता है, रुला भी सकता है और मार धाड़ तो उसका पसंदीदा फील्ड है। अब राहुल अपनी दूसरी फिल्म के साथ तैयार हैं, जिसकी शूटिंग जल्द ही लखनऊ में होने वाली है। फिल्म का नाम है मांग भरो सजना। फिल्म को लिखा है सबसे शानदार राइटर राकेश त्रिपाठी ने, जिन्हें भोजपुरी सिनेमा के लिए तमाम बड़ी फिल्में लिखी हैं। अब वो इसका निर्देशन भी करने के लिए तैयार हैं, यानी निर्देशन के फील्ड में भी आप राकेश त्रिपाठी का लोहा देखेंगे। राहुल शर्मा के शुरुआती तेवर तो यही बता रहे हैं कि ये लड़का आने वाले समय में भोजपुरी का नया स्टार होगा। आपको राहुल शर्मा में क्या पसंद है कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए भोजपुरी वाले भैया को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। नमस्कार।